मुसलमानों के लिए नमाज है और ये मिलाद मुस्तफा की महफिल, ये मिलाद मुस्तफा का जुलूस हमें ये पैगाम देता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरह से हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौमे विलादत मनाए, इसी तरह से हमें उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। यकीनन जो मुसलमान प्यारे का रज़ा तबार रज़ाले के बताए हुए हुक्मों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है और अल्हम्दुलिल्लाह रज़ा तबार रज़ाले के बड़े करम से वो बंदा दुनिया में भी कामयाब रहता है और इंशाअल्लाह सबदर वो आखिरत में भी कामयाब रहता है। तो जितने मुसलमान यहाँ पर है ये नियत करें कि इंशाअल्लाह सबदर आज से हम की सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करेंगे। इसी में प्यारों में इस दावा हमारी बनाई है, ये दावत इस्लामी जो तहरीक है अलहम्दुलिल्लाह ये आखिरत के बारे में गौर फिक्र दिलवाती हुई नजर आती है। ये प्यारों मीठे इस्लामी भाइयों मुसलमान का मकसद ये नहीं कि ढेर सारा बैंकों के अंदर अपना पैसा जमा करता रहे, ऊंची ऊंची बिल्डिंग के बनाता रहे, नहीं प्यारों मीठे इस्लामी भाइयों यकीनन इस दुनिया में जो आया है उसे इस दुनिया से रुखसत होकर अंतरी कब्र का मुंह जरूर देखना है। तो यकीनन समझदार मुसलमान वो है कि जो मरने से पहले अपनी कब्र और आखिरत की तैयारी में मशगूल हो जाए। आपने देखा होगा कि हमारे मोहल्ले में पड़ोस में रहने वाला नौजवान इंसान अचानक मौत का शिकार हो जाता है और हम कहते हुए नजर आते हैं अरे रात को इससे मेरी मुलाकात हुई थी, अभी एक घंटे पहले तो मैं इससे मिला था, अच्छा खासा था, लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों मौत आई और वो ये अच्छा खासा नौजवान अचानक मौत के शिकार हो गया। तो यकीन हमें भी मरना है, अपनी करनी का वल भी बदलना है। तो प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों आज इस मिलाद जुलूस पाक से ले जहन बना करके जाए कि मुझे प्यारे आकाई सलात और सलाम की दी हुई तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार करके मुझे अपनी जिंदगी कामयाब बना दी। यही सब जो कि फिक्र दावत इस्लामी दे रही है। प्यारो मीठे इस्लामी भाइयों इसका पैगाम तकरीबन 160 ज़ायद मुल्कों में अलहमदुलिल्लाह तबलीग को कुरान और सुन्नत की खिदमत अंजाम दे रही है। आपके दिल्ली के अंदर भी इस दावत इस्लामी को सुन्नत को बड़ी जितना वेलकम जाफराबाद के पास मस्जिद नूरुल नबी में हर जुमेरात के दिन ईशा की नमाज के बाद पाबंदी का शुरू हो जाता है और अलहमदुल्ला फातिम नगर पटना हाउस में जो भाई एक्सटेंशन रोड कादरी मस्जिद में जुमे के दिन ईशा की नमाज के बाद शुरू हो जाता है। तो जहाँ पर आपको आसानी हो अगर जाकिर नगर पटना हाउस में आसानी हो वहाँ पहुँच कर सवाल नारायण खातिर करें। अगर आपको प्यारों मित्र इस्लामी भाइयों जाफराबाद नजदीक पड़ता है तो अपनी कब्र और आखिरत की बेहतरी के लिए वहाँ आप शिरकत फरमाएं और अपनी जिंदगी को कामयाब जिंदगी बनाते हुए नजर आएंगे। तमाम इस्लामी अपना ये कहना